सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के नौतन प्रखंड के अंगौता पंचायत में, और आज हम मिलकर बात करेंगे यहाँ के मुखिया सभापति देवी पति शास्त्री राम जी से। आज हम लोगों ने इस पंचायत को विजिट किया। विजिट करने के बाद से हम लोग मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हम मुखिया जी का नाम जानते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने दूर से चल के आप लोग आए हुए हैं सर, और इस चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत के जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम है शास्त्री राम, हमारी पत्नी मुखिया है सभापति देवी, और हमें उनके पति हैं जो मेरा नाम शास्त्री राम है। तो आइए हम जो मुखिया पति हैं शास्त्री राम जी, उनसे मिलते हैं और मिलकर जानते हैं कि उन्होंने 5 साल में अपने पंचायत के लिए किन किन कार्यों को किया और उससे जनता किस प्रकार लाभान्वित हो रही है। लोग हम लोगों को जिताए, हमारी पत्नी को जिताए। तो हम लोग जब शौचालय बनाने का निर्माण चालू करना था, जब ब्लॉक में अधिकारी लोगों से बात हो रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि मुखिया जी आपके पंचायत में निर्बल पंचायत घोषित है, पुराने मुखिया जो थे वो 5 लाख रुपया इनाम ले चुके हैं और निर्बल पंचायत घोषित है, इसलिए शौचालय और जो है नल जल का काम आप लोगों के यहाँ नहीं होगा 7 निश्चय से। कई बार जो है DDC साहब सर से मुलाकात किया गया और बैठक में सवालें उठाई गई, DM मैडम एक आई थी, उनसे बातचीत हुआ। 2-2.5 साल करीब लग गया इसको सर्वे करा के, जाँच करा के निर्मल पंचायत तोड़वाने में। उसके बाद मौका मिला तो कुछ हम लोग काम कर रहे थे, तब तक हमारे अंगौता पंचायत जो है अंगौता गाँव में कोरोना का एक लड़का का हो गया हल्ला कि कोरोना उसको पकड़ लिया है, और पूरा ज़िला में इस तरह का जो है लॉकडाउन लग गया। पूरे ज़िले में जो है हमारे पंचायत को चारों तरफ से जो है इसको रोक दिया गया कि कोई किधर नहीं जाएंगे। उस लॉकडाउन में हम लोग अंगौता गाँव में जो एक कोरोना के मरीज मिले थे तो हम लोग छिड़काव कराए, मास्क बांटे, और अपने तरफ से जो है हमने तेल मसाला और जो है साबुन सरफ सब बंटवाया पब्लिक के पास अंगौता गांव में। इस तरह का वहां माहौल था। 4 नंबर वार्ड में चौहान जाति के एक लड़के को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो 4 नंबर वार्ड के आदमी अगर 5 नंबर में जाते थे तो ईटा पत्थर चलने लगता था कि आपको इधर नहीं आना है तो आपको उधर नहीं जाना है। उस माहौल में जाके उस पंचायत उस वार्ड के लोगों को, उस गाँव के लोगों को हम लोग मास्क और साबुन बांटते थे और तेल मसाला भी बांटते थे, और जितना संभव हुआ पंचायत में जो है हम लोग लड़के और शौचालय भी बनवाए हैं, और जो है नल जल का काम भी 6 वार्ड में कराए हैं। 6 वार्ड में अभी तो 2 वार्ड का ऐसा हुआ है कि पीच सड़क चौड़ा हो रहा है तो उसमें कहीं कहीं पाइप कट गया है। DPRO साहब के हमने आवेदन दिया है कि 10 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड का जो है पाइप सड़क चौड़ा होने के चलते पाइप कट चुका है और उसका मरम्मती कराना है, तो उसके लिए फिर हम NOC के लिए BDO साहब के लिए पास आवेदन दिया है कि NOC मिल जाता है तो उस 10 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड का हम पानी चालू करा देते हैं। ऐसे 1 नंबर में पानी चालू है, यही है सर। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि सर के द्वारा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कार्य को की गई। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक कार्य को इस तरह से दर्शाया कि जो एक लड़का को कोरोना हो गया था वहाँ पर उन्होंने उस मोहल्ले के लोगों को इस कोरोना के निजात से छुटकारा दिलाया, और जहाँ पे सामाजिक दंगे हो रहे थे उसको भी शांत करवाया, और साथ साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजेशन करवाया, और सैनिटाइजेशन करवाने के बाद से उस गांव में साबुन सर्फ तेल वगैरह जो भी जो ज़रूरत जो चीज़ें थी जो ज़रूरी की चीज़ें थी इन्होंने वितरण करवाया, और सर के द्वारा कोरोना के समय बहुत सारे कार्य की गई। जैसे कि हम सभी देखे हैं कि कोरोना के समय से ही लॉकडाउन का प्रभाव जारी रहा, लेकिन उस लॉकडाउन में जगह जगह पे कार्य अवरोध हुई, बहुत सारे फंड रुक गई, बहुत सारे समस्याएं हुई, तो उस दौरान मुखिया साहब के द्वारा हम जानेंगे कि वो उस दौरान क्या करना चाहते थे जो लॉकडाउन के दौरान नहीं कर पाए, और उस समय भी वो क्या किए, अगर लॉकडाउन रहा फिर भी अपने स्तर से जो हो सकता है उन्होंने अपने थ्रू क्या किया, आइए हम जानते हैं। लॉकडाउन में
पिछले बार जो लॉकडाउन लगा उसमें बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, गरीब लोगों को, उसको लेकर के हमने वीडियो से आपसे बात किया कि हमारे पंचायत में राशन वितरित करवाइए और फ्री में वितरित करवाइए। इसको लेकर के हमने, हमारी पत्नी और हमारे जिला पार्षद देखा है सोहिला गुप्ता, ये दोनों लोगों ने भूख हड़ताल 48 घंटा ने भूख हड़ताल किया एक भरत प्रसाद के घर पर बैठ के, और वहाँ दो दिन के बाद मीडिया कर्मी लोग गए, बातचीत हुआ, वीडियो साहब से भी बातचीत हुआ, तो भूख हड़ताल को ख़त्म किया गया। और भूख हड़ताल इसलिए किया गया था कि गरीब लोगों को राशन कार्ड बनवाया जाए और वृद्धा पेंशन के लिए भी, और जो है राशन की राशन समय से मिले, लोगों को घर तक पहुंचाया जाए, उनका दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग भूख हड़ताल किए थे और करवाए थे। भूख हड़ताल होने के बाद फ्री में 3 महीना राशन वितरित हुआ पंचायत में, और जितना हम लोग मांग किए थे उस तरह तो नहीं हुआ, कम से कम हम लोग मांग किए थे कि 10 किलो अनाज मिले, तेल मर्चा मसाला सब कुछ सरकार दे उस पर, लेकिन मिलना एक चना मिला 1 किलो और 2-3 महीना राशन मिला, और गरीब लोगों को कुछ राशन कार्ड बना, कुछ लोगों को बाकी है, उसका भी फॉर्म भरा हुआ है, लोग भर के जमा किए हैं, और उसका भी हम लोगों का प्रयास है कि राशन कार्ड जो वंचित गरीब है उन लोगों का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए और राशन कार्ड नया जिन छूटा है उनका बन जाए। और जो विकास के काम है हम लोग प्रयास में हैं, परामर्शी समिति बनने के बाद अभी कोई सूचना नहीं आया है प्रखंड से या जिला से कि कब सुन रहे हैं कि उसका शपथ ग्रहण है। हम लोगों का प्रयास है कि जो अधूरा काम है, जो नया काम है, दोनों काम को हम लोग पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हम लोग जो है विकास आगे। जैसे कि अभी सर ने जो लॉकडाउन के दौरान जो कार्य किए उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने भूख हड़ताल की और जनता को राशन की राशन मुहैया कराने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया, और अपने पंचायत के लोगों को उन्होंने 10 किलो तक मुफ्त अनाज का मांग किया सरकार से, और उनका कहना है ऐसा नहीं किया गया, लेकिन जो भी हुआ संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी मदद मिला वो इनके द्वारा जो व्यवस्थाएँ करवाई गई थी उसके आधार पर हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि इस तरह की सेवा देने के बाद से समाज में या पंचायत में उनका भविष्य का प्लानिंग क्या है, वो फ्यूचर में किस तरह सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में पुनः मुखिया के रूप में अगर उनको चयनित किया जाता है तो उस समय सर का क्या कार्य रहेगा और वो किस तरह की विकास अपने पंचायत और जनता के लिए करना चाहेंगे। अगर पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से एक बार और मौका मिलता है हमको, तो हमारा है प्लानिंग कि हम आदर्श पंचायत बनाएंगे। पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था के लिए जो है हम प्रयासरत रहेंगे कि पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था हो, उप स्वास्थ्य केंद्र का बढ़िया व्यवस्था हो जिसमें तत्काल ट्रीटमेंट हो सके लोगों का, और पंचायत में जो हर वार्ड है हर वार्ड में सामूहिक शौचालय बनाने का जो है हमारा प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में सामूहिक शौचालय बनाएं, और बच्चों के लिए खेल का मैदान का जो है हमारा प्रयास रहेगा कि अगर एक बार और मौका मिलता है तो पंचायत में हम खेल का मैदान का भी प्रयास करके और निर्माण कराएंगे, और गरीबों के लिए एकदम बिल्कुल हम तत्पर रहेंगे।